हेलो फ्रेंड्स, फाइंडिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्भवती महिला ही जानती है कि अपने अंदर एक और जान पालना कितना मुश्किल होता है, और अगर वो माँ खुद एक बच्ची हो तो वो काम और भी मुश्किल बन जाता है। जी हाँ, हम 16 साल की माँओं की बात नहीं कर रहे। इस लिस्ट में कोई भी लड़की 10 साल से ज्यादा उम्र की नहीं है। तो आपके सामने पेश है दुनिया की 5 सबसे कम उम्र की माँएं, जिन्हें देखकर आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। नंबर 5, लैला माफी। वैसे तो ये लिस्ट उम्र के हिसाब से बनाई गई है, पर अगर घटियापन के हिसाब से बनाई जाती तो लैला माफी का किस्सा शायद नंबर 1 पे होता। ईरान की लैला 8 साल की थी जब उनके भाइयों ने उनकी माँ को पैसे देकर लैला के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। जी हाँ, उनकी माँ ने ना सिर्फ एक जघन्य अपराध को नजरअंदाज किया बल्कि पैसे लेकर उसमें भागीदारी भी बनी। और बुरी बात ये थी कि लैला की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। 19 साल की उम्र में भी लैला का दिमाग किसी 9 साल की बच्ची की तरह था। लैला को 9 साल की उम्र में पहले 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उनके भाइयों का पाप पकड़ा गया और उन्हें सजा के तौर पर कोड़े मारे गए, पर लैला को भी सजाए मौत सुनाई गई। खैर, भला हो एमनेस्टी के उस वकील का जिसने सही वक्त पर लैला की सजा को रद्द करवा कर उसकी मदद करी। नंबर 4, डेफनी। 27 जनवरी 2013 को सीजर ऑपरेशन के द्वारा एक सुंदर सी बच्ची पैदा हुई थी। ये बच्ची एकदम नॉर्मल थी और इसका वजन 5.7 पाउंड और उसकी लंबाई 19 इंच की थी। पर यह मुद्दा था कि इस बच्ची की माँ, जो कि डेफनी से जानी जाती थी, वो मात्र 9 साल की थी। डेफनी के पेरेंट्स ने बताया कि उन्होंने इस गर्भधारण की शिकायत इससे पहले नहीं की क्योंकि डेफनी का बॉयफ्रेंड 17 साल का था और उनको ये नॉर्मल रिलेशनशिप लग रहा था। पहली नजर में तो ये सिर्फ एक पेरेंट्स की लापरवाही नजर आती है, पर और ज्यादा खोजबीन करने पर ये मामला गंभीर हो जाता है। पुलिस उस 17 साल के बॉयफ्रेंड का भी कुछ पता नहीं लगा पाई। जब डेफनी को कुछ दिन तक उसके माँ बाप से अलग रखा गया तो उन्होंने दावा किया कि उनके 56 वर्षीय पिता ही उसके बच्ची के बाप हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस ने सिर्फ वार्निंग देकर और निगरानी रखने की बात कहकर डेफनी और उनके बच्चे को डेफनी के पेरेंट्स के साथ घर वापस भेज दिया। नंबर 3, एना मोमेंथेलर। जब कोई बच्चा नॉर्मल माने जाने वाले उम्र में ही प्यूबर्टी हिट कर जाता है तो इसे प्रीशियस प्यूबर्टी का मामला कहा जाता है। आमतौर पर लड़कों के लिए ये उम्र 9 से 12 साल की और लड़कियों के लिए 8 से 11 साल की होती है, पर स्विट्जरलैंड की एना मोमेंथेलर को उनका पहला मासिक धर्म सिर्फ 2 साल की उम्र में ही हो गया था और इस अजीब बात की वजह से उन्हें बार बार अपने डॉक्टर जे बी हेलर के पास जाना पड़ता था। एना के साथ हर चीज उम्र से थोड़ी पहले ही हो गई थी। 52 साल की उम्र में मेनोपॉज और 75 साल की उम्र में मौत। पर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि मात्र 8 साल और 9 महीने की उम्र में ही वो माँ बन गई थी और एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया। और ये भी पता चला कि एना के पिता का एक दोस्त ही एना की बच्ची का बाप था। उम्मीद है एना के पेरेंट्स ने उस दरिंदे को फिर कभी एना के आसपास भटकने नहीं दिया होगा और वो जेल में अब तक सड़ रहा होगा। नंबर 2, हेल्डा। एक आम नौकर की बेटी हेल्डा पेरू में एक कमरे में अपने एक बड़े से परिवार के साथ रहती थी। उनका एक 22 साल का कजन भी कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आया था। उस राक्षस की गंदी नजर हेल्डा पर थी। शुरू शुरू में तो हेल्डा के पेरेंट्स को भी कोई शक नहीं था, पर जब हेल्डा की तबीयत बिगड़ने लगी तो उनकी माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर दंग रह गई और बताया कि हेल्डा 5 महीने की गर्भवती है। 2 दिसंबर 1957 को 8 साल 7 महीने की हेल्डा ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने मरिया डेल रखा। 6 पाउंड की मरिया 1 महीने जल्द ही बिना ऑपरेशन के पैदा हुई और उनकी माँ की उम्र छोड़ दी जाए तो वो एकदम नॉर्मल बच्ची थी। जहाँ तक हेल्डा के कजन की बात है तो उस हैवान को जेल हुई। उम्मीद है कि वो अभी भी जेल में ही होगा। नंबर 1, आन्या। किसी को अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाने से ना रोक पाना किसी भी माँ बाप के लिए बुरे सपने से कम नहीं, पर रशिया के एक छोटी सी बच्ची के माँ बाप के साथ ये बुरा सपना सच साबित हुआ। छोटी सी मिस आन्या प्यूबर्टी हिट करने के वक्त महज 7 साल की थी। जल्दी ही आन्या के 13 वर्षीय के पड़ोसी की बुरी नजर उस पर पड़ी। 13 साल की उम्र में बच्चों को सही गलत का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है, इसलिए पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि उनके पड़ोसी को उनका रेप करते वक्त ये एहसास
जरूर होगा कि वो गलत कर रहे हैं। पहले तो उन लोगों ने सोचा कि आन्या मोटी हो रही है या फिर ये कोई ट्यूमर हो सकता है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी छोटी सी बच्ची खुद एक माँ बनने वाली है। अप्रैल 2000 में आन्या ने अपनी बच्ची को जन्म दिया, तब वो सिर्फ 8 साल 7 महीने की थी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस जल्द से जल्द आपके पास पहुंचेगी।